ऑर्गेनिक में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे जो खुद के टीचर थे वो भी और मैं भी यही बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत कंटिन्यूअस चीज होती है। मैथ्स में और फिजिक्स में व्हाट हैपेंस इज कोई पर्टिकुलर पार्ट आपका वीक रह जाए दूसरे को स्ट्रांग कर सकते हो। जैसे मान लो आपका कैलकुलस अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा कर सकते हो। फिजिक्स में भी फॉर एग्जांपल आपका बाय द वे मैकेनिक्स अच्छा नहीं है पर आप इलेक्ट्रो वाला पार्ट सही कर सकते हो। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, अगर आपका जीओसी आइसोमेरिज्म रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्टिंग अच्छा नहीं हुआ तो बाद वाला समझ में नहीं आए। सारा कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।